अपशगुन को शगुन में बदला जा सकता है। अब सब ठीक हो गया। सही बहू घर में आए तो ऐसा ही होता है। अब शगुन शगुन में बदल जाता है और शव शिव में बदल जाता है। साबित कर दिया जैसा लोग शिव शक्ति के बारे में कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है। तुमने शव को शिव बना दिया शक्ति। अपनी असली जिंदगी में भी ऐसा ही करोगी? वाह, वो हमारे बिखरे शिव को समेटेगी, उसे निखारेगी, उसे संवारेगी। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी। कितनी स्मार्ट है तुम्हारी बहन। बहन किसकी? गलत कहा आपने माँ। जिस तिनके के सहारे आपका शिव जी रहा है ना, ये शक्ति उससे ऐसा झटका देगी कि वो हमेशा के लिए बिखर जाएगा। वैसे भी आपका शिव जिस अधमरे हालत में है ना, ये शक्ति ही उस शिव को शव में बदल देगी। हमेशा लाइमलाइट बटोरने में लगी रहती है। सब तो भूल ही गए कि हमारी भी मेहंदी है। चलो अब दूसरा जोड़ा। कीर्तन रिमझिम के हाथ में अपना नाम ढूंढेगा। चलो चल बच्चे। क्या मिला आपको ये सब करके? इतनी ऊंची हरकत ना आपकी हो सकती है, सब पता है हमें। मुझे क्या मिला? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अब क्या हुआ शिव? कुछ नहीं, मुझे शक्ति से बात करनी है। चलो। डॉक्टर शिव रुको। कहाँ जा रही है ये जोड़ी नंबर वन? हुआ कुछ नहीं, मुझे शक्ति से जरूरी बात करनी है। शिव, हल्दी के बाद नए जोड़े का इस तरह से मिलना अपशगुन होता है। हाँ छोड़ो। अगर अम्मा तुम दोनों को देखती ना तो ऐसा ही कहती, अपशगुन होता है।
पर हम तो ठहरे मॉडर्न। हम दो प्यार करने वालों को ना अलग नहीं करते, मिलवाते हैं। वो क्या कहते ना, कुपिड कुपिड। बुआ सच में मुझे शक्ति से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी। हाँ हाँ हाँ, जरूरी बात। हमें खूब पता है शादी के आसपास दूल्हा दुल्हन को क्या जरूरी बात करनी होती है, इसलिए तो दिन रात कोना खोजते रहते। एक काम कर शिव, तू ना स्टोर रूम में जा, हम इसे पीछे के रास्ते से ले आते हैं, फिर जितना चाहे जरूरी बात कर लेना। थैंक यू बुआ, थैंक्स अ लॉट, पर मुझे सच में बात ही करनी है। हाँ हाँ, बात ही करनी है। पद्मा बुआ, हाँ? जैसा आप सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसा बिल्कुल नहीं है? अरे होना चाहिए। भैया एक मिनट, वैसे तो इस सिचुएशन में जोड़े दूध पीते हैं, पर तू ना जूस से काम चला। भोलेनाथ सॉरी बेटा, ये तो खराब हो गया। पद्मा बुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं अम्मा सही कहती है, हम ना बिल्कुल बुद्धू है। शक्ति बेटा तुम एक काम करो, इस पे तो दाग लग जाएगा, तुम जाके इसको धो लो। हाँ, जाते। जब तक हम आपके साथ है ना डॉक्टर शिव, फिर चाहे कोई भी शगुन अपशगुन क्यों ना, हम आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जब तक शक्ति शिव के साथ है, शिव सिर्फ शिव नहीं सत्यम भी बनेगा और सुंदरम भी। डॉक्टर शिव आपको जो भी बात परेशान कर रही है ना, हम शादी से पहले मिलके उसे सुलझा लेंगे। ये शक्ति कहाँ रह गई, पीछे ही तो आ रही थी। आज जो भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा, कोई और रस्म होने से पहले मेरा सच उसे बता कर रहूंगा। डॉक्टर शिव अब कहाँ है, यहाँ आइए ना। शक्ति अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं वो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं बात कर पाऊंगा, इसीलिए एक्चुअली वो लेटर भेजा था मैंने तुम्हें जिसमें मेरा पूरा सच था, मेरे अतीत का पूरा सच। अब मैं किसी के जरिए तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि शायद कोई गलत फहमी हो गई थी पहले। अब जो कहना है मैं खुद कहूंगा आमने सामने। शक्ति जो तुम मुझे समझती हो ना वो मैं नहीं हूं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मैं कोई भगवान नहीं हूं, एक शैतान हूं। तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने मुझसे प्यार किया, पर मैं उस प्यार के लायक नहीं हूं। जानती हो कौन सा पाप किया है मैंने, सबसे बड़ा पाप, एक बेटे से उसकी मां छीन ली मैंने। तुम्हें पता है वो बेटा किसका था? मेरा, कार्तिक। हाँ सही सुना तुमने, मेरा एक बेटा है शक्ति। इसका मतलब समझती हो ना तुम? और जो पाप मैंने किया है ना उसकी वजह से मैं अपने बेटे से भी नजरें नहीं मिला सकता,
क्योंकि उसने अपनी मां खोई है और उसका कारण है अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया शक्ति। अब सारा सच जानने के बाद क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या हुआ शक्ति? प्लीज तुम ऐसे चुप मत खड़ी रहो, कुछ तो बोलो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शक्ति? शक्ति, मैं जानता हूं कि यह सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, बट मेरा फर्ज था कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊं। इसीलिए मैं बार बार तुमसे बात करना चाह रहा था ताकि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकूं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा फैसला गलत है। अब शक्ति, मैं तुम पर अपना फैसला नहीं थोपूंगा और ना ही अपने परिवार को उनका फैसला तुम पर थोपने दूंगा। अब जो भी फैसला होगा तुम्हारा होगा, जो तुम खुद के लिए लेना चाहती हो, क्योंकि वो लेने का तुम्हें हक भी है और पूरी आजादी भी। शक्ति, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि जब हम मिले तब हम दोस्त बनेंगे, हमारा ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि बात शादी तक आ जाएगी। पर जो भोलेनाथ को मंजूर था वही हुआ, पर अब नहीं। अब आगे जो भी होगा तुम्हारा फैसला होगा। शक्ति, मैं बाहर जा रहा हूं और वहां तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मेरे साथ रहने का या मेरे साथ छोड़ने का, जो भी फैसला होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव भैया, आप जैसे मिरर समझ रहे थे ना, एक्चुअली मिरर नहीं, एलईडी टीवी है। कोन खत्म हो गए, मैं लेकर आती हूँ। जब तक आप कोन लेकर आती है ना, मैं अपनी बड़ी बहू को लेकर जाना चाहती हूँ। आ जाओ। इतनी सुंदर लग रही हो, असली इन्फ्लुएंसर तो तुम हो। अगर तुम्हारा वीडियो ना बनाओ ना, तब तो पाप लग जाएगा मुझे। कोयल, इधर आओ जल्दी। अपनी बड़ी भाभी की एक अच्छी सी वीडियो बनाओ। देखो तुम्हारी बड़ी भाभी कितनी सुंदर लग रही है, जरा इसकी एक वीडियो तो निकालो। इसकी ड्रेस तो देखो, लगता है कोई टॉप डिजाइनर से ली है ना? हमने ये लोकल मार्केट से ली है। I can't believe it. I can't believe it. लोकल मार्केट से? यही होता है, you know? यही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लोकल मार्केट से भी कुछ पहनते हैं ना, क्योंकि डिजाइनर वेयर जैसा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिजाइनर कपड़े भी पहने ना, तो भी लगता है लोकल मार्केट से खरीदा है। चलो शुरू करो।
फिल्टर मत यूज करना हा? तुम्हारी भाभी ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। वो क्या कहते हैं woke up like this? Smiley, smiley. ये smile, cheese, ये सब बहुत outdated हो गए नहीं? आजकल तो सब लोग pout करते हैं, hot looks देते हैं, वैसा कुछ तो? कैमरे पे, सीधे कैमरे पे देखो। थैंक यू। अब जाओ, जाकर पूरी मेहंदी लगा लो। इन्हें क्या हो गया अचानक से? मॉम, अगर आपको मेरी इंसल्ट करनी थी तो सीधे आके कर देती। अब शक्ति जैसी एलिस लड़की की फोटो वगैरह खींचने के लिए मुझे मत कहना। डिजाइनर ड्रेस माय फुट, सड़क से उठाकर पहना हुआ लग रहा था उसका ड्रेस। और आप कब से उसकी फेक तारीफें करने लगे? आई डोंट नो। अब जब फेक डीप वीडियो बनाना होगा तो फेक तारीफें तो करनी पड़ेंगी ना। और वैसे भी वो जो उसका डिजाइनर ड्रेस है ना, उसकी एग्जैक्ट कॉपी मैंने तुम्हारे लिए भी लाके रखी है। व्हाट मॉम? क्योंकि हम शक्ति की फेक डीप बनाएंगे। फोटो फेक डीप? वो क्या होता है? आंखों का धोखा, साजिश, इल्यूजन। मतलब? आई थिंक तुम ना अपडेटेड नहीं हो, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर बनी हुई हो। पहले के जमाने में क्या होता था? वॉर्स, लड़ाइयां हथियारों से लड़ी जाती थी। उसके बाद केमिकल्स, उसके बाद बायोकेमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, और अब टेक्नोलॉजी। वॉर्स टेक्नोलॉजी से होती है। और ये फेक डीप वीडियो जो है ना, वो फोटोशॉप प्रो मैक्स का भी बाप है। हाँ, मैंने भी देखा था, कुछ एक्टर्स के फेक डीप वीडियोस आए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि वो है या कोई और। तो हमारी शक्ति भी तो एक्टर ही है ना। वाओ मॉम, यू नो व्हाट, आप लोगों से आगे नहीं चलते, अपने टाइम से भी आगे चलते हो। आई नो आई एम गुड, आई एम टू गुड, आई नो दैट। एंड आई होप मॉम कि एक दिन मैं आपकी जैसी बनूं। बन जाओगी, मुझे ऑब्जर्व करती रहो, मैं जो कहती हूँ वो करती रहो, तुम भी कर पाओगी। पर अभी एक काम करना है तुम्हें, ये वीडियो अपने फ्रेंड को बोलो कि इसका बैकग्राउंड चेंज करे, लाइटिंग चेंज करे, बिल्कुल इंटेंस लगनी चाहिए, ओके? और जाकर वो ड्रेस पहन लो। मॉम, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, शिव भाई मेरे इतने पास आ गए थे, मुझे तो लगा हमारा भांडा फूट जाएगा। बट यू मॉम, योर जीनियस, यू नो मॉम, वीडियो गेम का तो समझ आ गया, पर शक्ति का ऑडियो, ऑडियो कैसे क्रिएट किया आपने? कोयल बेटा, आज के जमाने में ना सब कुछ पॉसिबल होता है। जो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की आवाज में गाना गा सकता है, तो शक्ति क्या चीज है? पर ये उसका ऑडियो जो है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। वो कैसे? दरवाजा कैसे लॉक हो गया? डॉक्टर
डॉक्टर शिव, नंदू भैया दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या करें, हम तो फोन भी बाहर छोड़ आए हैं। माँ जी, दादी, कोई है, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर शिव आप कहाँ हैं? हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं आप हमेशा आके हमें बचा लेते हैं। प्लीज आज पे हमें यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। डॉक्टर शिव हम यहाँ हैं, यहाँ आइए। आएगा तो जरूर डॉक्टर शिव, पर यहाँ नहीं वहाँ। You're too good, mom. पर मॉम, शिव भैया तो अभी भी शक्ति के आंसर का वेट कर रहे हैं। उसका क्या? उन्हें तो फिर पता चल जाएगा ना कि शक्ति को पूरा सच नहीं पता। नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है।